नागपुर महानगर पालिका द्वारा बजट में दिव्यांगों के लिए आरक्षित निधि के नियोजन के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान दिव्यांगों के लिए विविध योजनाओं के तहत राशि का नियोजन किया गया, जिसकी जानकारी महापौर द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दी गई। नागपुर महानगर पालिका द्वारा बजट में दिव्यांगों के लिए निधि रखी गई थी। उस निधि के नियोजन आज महापौर द्वारा प्रथम बैठक ली गई। इसमें प्रमुख निर्णय लिए गए, जिसमें से एक महानगर पालिका द्वारा दिव्यांगों को जो ट्राइसिकल देते हैं वो लोकल मेड की होनी चाहिए, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर यहाँ नहीं होने से दिव्यांगों को काफी समस्या होती है। नागपुर महानगर पालिका के बजट में दिव्यांग लोगों के लिए जो आरक्षित निधि रखी गई थी, उस निधि की आज बैठक संपन्न हुई। उस समिति के अध्यक्ष महापौर होने के कारण आज महापौर बनने के बाद मैंने पहली बैठक ली, और यह बैठक प्रतिमाह लेने का हमने निर्णय लिया। आज जो प्रमुख निर्णय लिए गए, वह प्रमुख निर्णय मैं आपके समक्ष बताना चाहूँगा कि महानगर पालिका के माध्यम से जो हम लोग ट्राइसिकल देते हैं दिव्यांगों को, वो ट्राइसिकल जो होगी वो लोकल मेड की होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय हमने लिया। कारण कानपुर से हम जो ट्राइसिकल लेते हैं उसमें यहाँ सर्विस स्टेशन ना होने के कारण दिव्यांग बंधुओं को बहुत ज़्यादा अड़चन होती है। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया कि हम लोकल में भी जो लेंगे उसमें जिन कंपनियों के रेट निर्धारित करके हम लोग ये तय करेंगे, उसके डेमोंस्ट्रेशन पीस यहाँ महानगर पालिका में रखे होंगे, किसी एक कंपनी का नहीं लेंगे। दिव्यांग बंधु उनको तीनों को चेक करेगा, और चेक करने के बाद उसकी सम्मति के अनुरूप उसको जिस कंपनी का पसंद आएगा उसे देने का निर्णय हमने लिया है। उसके लिए वह जो सप्लाई कर रहा है वह बरोबर है या नहीं, यह देखने के लिए हमारा कारखाना विभाग का एक अधिकारी उस पर ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वह बनी है या नहीं, और जिसका यहाँ पर सर्विस सेंटर होगा उसी को देने का निर्णय हमने लिया है। दूसरा मुख्य निर्णय कर्णबधिर है। उन कर्णबधिरों के कान के ऑपरेशन के लिए निधि का नियोजन नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया गया है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से योजना में किया गया है। साथ ही नागपुर शहर के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी कर्णबधिर है तो उसका ऑपरेशन की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत कर सकती है, अगर वह विद्यार्थी 12वीं कक्षा के भीतर में शिक्षा ले रहा है। दूसरा निर्णय, समाज में जो कर्णबधिर है उन कर्णबधिरों के कान के ऑपरेशन के दृष्टि से जिनसे उनकी श्रवण शक्ति वापस आ सके, जिससे उनका बोलना और सुनना दोनों शुरू हो सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका के माध्यम से कॉपलर इंस्टॉलेशन का एक बजट हमने रखा है, जिसमें 25 लाख रुपये की निधि हमने रखी है। इससे हमारे जो कर्णबधिर बंधु हैं उनका कान का ऑपरेशन करके कॉपलर इंस्टॉल करके उनकी श्रवण शक्ति को वापस लाने का नियोजन भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया है। इसमें विशेष रूप से महानगर पालिका ने अपने बजट में 25 लाख रुपए का नियोजन किया है। उसी तरह जो दिव्यांग लोग प्रशिक्षण लेकर व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए 50 लाख रुपए की राशि का नियोजन किया गया। तीसरा विषय, नागपुर महानगर के क्षेत्र में रहने वाले जो दिव्यांग बंधु है, ये दिव्यांग बंधुओं में जिनकी छोटी उम्र होती है तो उस पर सब लोग ध्यान देते हैं, बड़े होने के बाद या गार्जियन के जाने के बाद इन पर ध्यान देने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है। इस दृष्टि से उनके लिए एक योजना नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से उनको प्रतिमाह राशि देने की है, उसके लिए भी 50 लाख राशि का नियोजन किया गया। आज की बैठक में उसको भी मान्यता प्रदान की गई। महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा ली गई बैठक में दिव्यांगों के हर बिंदु के लिए साधन सामग्री को लेकर राशि का नियोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद दरमियान महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा दी गई है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए अगर उनको यह अड़चन है तो इसका नियोजन राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से योजना में किया गया है। नागपुर शहर के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर वह कर्णबधिर है तो उसके ऑपरेशन की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से समग्र शिक्षा के अंतर्गत की जा सकती है, अगर वह विद्यार्थी 12वीं के अंदर पढ़ रहा है। यह सूचना भी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।